इंतजार था। वह शेर जिसने हुकूमत हक के चेहरे में हाथ डाल के आपके हुकूम के आपके कपड़े में ला के रखने का वादा किया है, यकीन माने ये शेर दरकत से रिंग के मास्टर के इशारे में नाचने वाला नहीं बल्कि रॉयल बंगाल स्टाइल जनाब चले जा रहा है। इस शेर की आदत है कि रंग कांप रहा है, इस शेर की आदत है कि रंग कांप रहा है, रुस्तम का जिगर शेर कफन कांप रहा है। फोन किया जस्टिस फखरुद्दीन साहब को, उन्होंने कहा कि भाई मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, वह आने की तरफ भी, तो मैंने कहा कि अगर आप आ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि उस पर एक साया हो गया। तो शमीम अहमद जस्टिस फखरुद्दीन साहब के आने से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अब शमीम अहमद के तहरीक को एक साया मिल गया है और एक मजबूत साया मिला है। और हम सदा से दुआ भी करेंगे और आप लोगों से भी कहेंगे कि आप दुआ करें कि जनाब फखरुद्दीन साहब के अंदर जो बीमारियां हैं तबीयत खराब है, अल्लाह करे कि अच्छे हो जाए। अल्लाह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसी दिन कवर हमारी मुलाकात दिल्ली में हुई और मिलाने वाले राजेश राज हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मगर वो अभी नीचे में कहीं भूल टहल रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे मेहमान नहीं बल्कि आप मेहरबान हैं, और राजेश भाई वो निभा भी रहे हैं, मेरे बहुत प्यारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों वादा की थी कि हम बरसर इख्तदार आएंगे तो शमीम साहब मैं उर्दू को दूसरी सरकार की जबान दूंगा, यही नहीं बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया था कि क्या बात है कि कम्युनिस्ट क्यों नहीं उर्दू को दूसरी सरकार की जबान दे देती, देने में क्या परेशानी हो रही है। उस वक्त इसलिए उन्हें इख्तदार में आना था, आज उन्हें क्या परेशानी हो रही है उर्दू जबान को उसका हक देने में, मगर उन्होंने औरों की तरह मुझे भी सोच लिया था। अब कुछ लोगों की गलती है, हम कुछ लोगों ने यह सोचा था ये नौजवान आगे बढ़ रहा है, कुछ दिन बाद हम लोग उसे चख लेंगे, और ऑफरों में हमारे पास आया कई पार्टियों से। मैंने कहा ना लौटे ना लौटे ना लौटे ना लौटे, मेरे लिए हराम 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 और सब तो हराम है, मैं कोई सियासत नहीं जा सकता, मैं कोई पार्टी में जान नहीं जा सकता। शमीम अहमद अगर जिस दिन आपके लगा मैं कहूंगा मुझे चौराहे पर खड़ा होकर के आप मारे, पत्थरों से मारे, ताकि आने वाले रहनुमाओं को ये बात हासिल हो जाए फिर इसको उनके साथ कोई धोखा करने की हिमाकत नहीं कर सके। तो प्रदीप भाई से मैंने कहा, प्रदीप भाई मैं मुल्क गीर तहरीक चला रहा हूं, एक तरफ हम बंगाल की रियासत की हुकूमत से लड़ रहे हैं, वही हिंदुस्तान की दूसरी सरकार की जबान बनाने के मुतालबात से भी लगे हुए वाहिद कई हमारे मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कई मुसलमान एमपी हैं, उनसे भी हमने रास्ता कायम किया और शायद आज आपको एहसास हो रहा होगा, मगर प्रदीप कुमार सिंह का मादरी जबान उर्दू नहीं है, मगर जब जब इस जबान को अपने खून की जरूरत पड़ी है तो किसी हिंदू ने ही इस जबान पर अपनी कुर्बानी दिया है। दोस्तों इन्होंने ये पहला नौजवान एक जबान मर्द मुझसे कहा कि शमीम भाई आप सड़कों पर तहरीक चलाइए, प्रदीप कुमार सिंह जब तक संसद रहेगा आपकी लड़ाई हम संसद तक ले जाएंगे। इसलिए हम तमाम मगरबी बंगाल के अहले उर्दू हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, एहसान मंद है एक ऐसा शख्स हमें मिला है जो हमारी तहरीक को मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें एक ऐसे सच्चे रहनुमाओं की भी जरूरत थी जो हमारी आवाज पार्लियामेंट तक ले जाए। आज के सामने प्रदीप कुमार सिंह मिल गया। अभी हमारे बीच जनाब जलील सिरवानी साहब और जनाब इकबाल दुर्रानी साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप एक बार जोरदार नारा लगाए, इकबाल दुर्रानी इकबाल दुर्रानी इकबाल दुर्रानी जलील सिरवानी। अब सबसे पहले हम चाहेंगे प्रोफेसर मौला बख्श साहब से कि हमारे बड़े भाई जलील साहब को सौ
शॉल पेश करे और उन्हें फूलों का हार पेश करे। ये आपको मैं सब देगा दोस्तों। हम बताना आपको ये चाहते हैं, केजरीवाल ने मुझसे धोखा किया, उन्होंने 2009 में मुझसे कहा कि आप किया तो अगर हम इख्तदार में आएंगे तो उर्दू को दूसरी सरकार की जबान करार देंगे, मगर मैं आपको बेनती और 3 ब्लॉक में महदूद कर देना चाहती हूं। तो दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हम इस रियासत के भी आला से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। क्या भाई, हम अपने रियासत के भी आला मोहतरमा ममता बनर्जी से हिस्सा मांग रहे हैं कि हमने आपको वोट दिया और आप इख्तदार पर आए, हमें मेरे पर हमें कोई परेशानी नहीं। आप क्या समझते हैं मुझे किसी हुकूमत से लड़ाई है? नहीं, जो हुकूमत हमारे हक को मारेगा, मेरे हक को दबाने की कोशिश करेगा, हम उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे। एक पॉलिसी रही है कि मुसलमानों के चंद रहनुमाओं को खरीद लो, 3 करोड़ मुसलमानों को उसका हक देने की जरूरत नहीं है, बल्कि 13 मिर्जाफरों को उसको दे दो और 3 करोड़ मुसलमान इनको वोट देते रहेंगे। हम भी कितने मूर्ख हैं, हम कितने बेवकूफ बनाए जाते हैं। इसलिए ये उर्दू जबान आपको जिस तरह से मुत्तहिद कर रहा है, खुदा की कसम अगर आप इसी तरह मुत्तहिद रहे तो यकीन मानिए सिर्फ उर्दू का मसला नहीं हल होगा, बल्कि हमारी हर मसाइल हल करने पे हुकूमत मजबूर हो जाएगी। आज आपको पता है इस रियासती कॉन्फ्रेंस को खत्म करने के लिए लोग न पहुंचे इसके लिए कितनी कोशिशें की गई, हुकूमत ने चंद उर्दू फरोशों को अपने साथ मिला रखा है। जहां एक तरफ मैं आप पूरे मजमा से पूछता हूं, पूरा मजमा मुझसे ये कहे कि क्या 13 म्यूनिसपैलिटी और 3 ब्लॉक आपको मंजूर है? पूरा मजमा हाथ उठा के मेरे साथ कहते कि फिर जो 13 का हिमायत करता है क्या वो मेरा रहनुमा हो सकता है? उसको उर्दू समाज से छांट देने की जरूरत है। जो 13 की हिमायत करता है चाहे वो मेरा भाई क्यों नहीं हो, मेरा अपना ही क्यों नहीं हो, उसे छांटना पड़ेगा। ये कैसी गंदी सियासत है कि जहां एक तरफ हम तमाम महिपाने उर्दू सरे पे कसंद बांध कर अरबाब इख्तदार के सामने जंग लड़ रहे हैं, वही चंद उर्दू फरोश वहां डेली अखबारों में ये खबरें गुमराह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू ममता बनर्जी ने उर्दू दे दिया और धीरे धीरे देगी। अब क्या मतलब है धीरे धीरे का? तो धीरे धीरे का क्या मतलब है? हम धीरे उड़े कुछ नहीं जानते, हम तो जानते हैं कि हम तुम्हें इख्तदार पर लाए हैं तो तुम्हें इख्तदार से उखाड़ कर बाहर का रास्ता भी बता सकते हैं। हमें किसी से कोई भूख नहीं। ये मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे पैदा ही किया है मैदान जंग में रहने के लिए, और मैं वो जब तक जिंदा रहूंगा मैदान जंग में रहूंगा और अपने कौम की जंग लड़ते रहेंगे। मैं आपको गवाह रखते हुए इस रियासत के वजीर आला को ये आज बता देना चाहता हूं, मैं 9 महीने का वक्त दे रहा हूं इस रियासत के वजीर आला को, क्या पूरी रियासत में उर्दू को दूसरी सरकार की जबान करार दे दे, नहीं तो 9 महीने के बाद शमीर अहमद अंसर पर बैठेगा, भूख हड़ताल पर बैठेगा, या तो शमीर अहमद उर्दू का हक हासिल करेगा या तो आप लोग अपने कंधे पर उठाकर कब्रस्तान में ले जाएंगे। देखते हैं हर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बात ये काफी जो है, हमें देखना है ये हुकूमत की कितनी ताकत है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि 29 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं एक रोजा भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं,
हुकूमत हिंद से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में उर्दू को दूसरी सरकार की जबान करार दी जाए, बाजार से असेंबली में बिल लाई जाए। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप भी 29 मार्च को अपने अपने इलाके में आप जरूर अनशन पर बैठे, जरूर धरना दे और अरबाब इख्तदार को ये बताए कि शमीम अहमद अगर उर्दू के लिए दिल्ली में धरना पर बैठा है तो बंगाल में भी लोगों ने उस हिमायत पर बैठा। दिल्ली के बाद हम रुख करेंगे छत्तीसगढ़, दूसरे मंथ में छत्तीसगढ़ में भूख हड़ताल एक रोजा पर बैठेंगे, महाराष्ट्र बैठेंगे, आंध्रा बैठेंगे, छत्तीसगढ़ बैठेंगे, मध्य प्रदेश बैठेंगे, भोपाल में, हर जगह जाकर बिहार में, झारखंड में एक रोजा भूख हड़ताल पर बैठकर अरबाब इख्तदार को ये बावर कराएंगे कि उर्दू हिंदुस्तान की जबान है और उसे आईनी हक मिलना ही चाहिए। उसके बाद मगर हम तो बिहार दिल्ली में तहरीक चलाएंगे, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग बंगाल में तहरीक चलाएंगे। आज आप लोगों को, आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अपना हक लेने के लायक बन चुके हैं और यही नहीं बल्कि अरबाब इख्तदार के जबड़े से भी आप हाथ निकाल सकते हैं। खुदा का शुक्र है ये मजमा इस बात का गवाही दे रहा है कि बंगाल पहले उर्दू अब कामन पसार कर भीख नहीं मांगेगा बल्कि उसके जबड़े में हाथ देकर उर्दू का हक हासिल करेगा। मैं बताना यह आपको चाहता हूं, उजवारे ने कहा कि 13 म्युनिसिपैलिटी और 3 ब्लॉक में उर्दू वाले बसा करते हैं। मैं उजवारा को बताऊंगा और मैं तमाम मजबे पर गवाह रखते हुए उजवारा को यह बताना चाहता हूं कि शमीम अहमद अगर मगरबी बंगाल के 19 जिला है, मैं हर जिले में हर महीने में भूख हड़ताल पर बैठेंगे और पीएम के बंगला के सामने हम पहाड़ियों पर भी धरना भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अरबाब इख्तदार को ये बताएंगे कि अगर जहां शमीम अहमद जिस जिला में भूख हड़ताल पर बैठे, अगर उर्दू वाला शमीम अहमद के साथ भूख हड़ताल से नहीं बैठता तुम उस जिले में उसका हक मत देना, उस जिले में तुम हक मत देना। अगर जिस जिला में उर्दू वाले अगर मेरे साथ भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं अरबाब इख्तदार को यह समझ लेनी होगी कि उर्दू उस जिला में बोली जाती है, उर्दू से मोहब्बत करने वाले उस जिला में बसा करते हैं। मैं आप और उसके बाद तमाम जिले से प्रूफ देते हुए उजवारा को भेजेंगे कि गिनती कर लो जिला, तुम कह रही हो कि उर्दू बंगाल में 13 म्युनिसिपैलिटी में बसा करता है, 3 वार्ड में बसा करता है, मगर उन्हें मालूम नहीं। अरे 50 सीट के मालिक है हम लोग, कितना सीट के मालूम है? 50 सीट असेंबली में। हम राइटर्स का चाबी किसके जेब में? अरे किसके जेब में? अरे 2 करोड़ सीपीएम को वोट मिला था और 2 करोड़ 25 लाख बाय महाज को मिला था, सुप्रीम को मिला था। हम लोग कितने हैं? 80 लाख है। 80 लाख वाला क्या भीख मांग के लेगा? अरे नहीं, बल्कि हम तो जरूर हाथ देकर लेंगे। हम समझौता एक्सप्रेस नहीं है, ना समझौते की बात करते। अल्लाह ने जिंदगी दिया है, मरना तो तय है, जो जीना आया है क्या यार, सबको जाना, जाने से पहले अच्छा काम कर ले। कबीरदास कहते हैं कि तू जग में आए तो जग हंसे तू रोए, तू जग में आए तो जग हंसे तू रोए। जब बच्चा दुनिया में आता है तो माँ बाप जश्न मनाता है,